हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल भी मैंने आप बता रहे तो तो आज का ये लुक आप सभी को कैसा लग रहा है ये ट्रेंडिंग मेकअप लुक है जैसे आजकल चल रहा है मेकअप और ग्लॉस ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लोग वैसे तो मैट लिपस्टिक मेरी हमेशा से फेवरेट रही है लेकिन आजकल जैसे ग्लॉस मेकअप लुक ग्लॉसी मेकअप लुक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और जो हम आई यूज़ करते हैं उसमें जो लास्ट में वो पूरा आई ना लगा के लास्ट में एक स्मोकी सा आई दे दिया जाता है तो इसी पे आज का ये मैंने आई शेडो भी इसी हिसाब से किया है और इसी पे आज का ये मेकअप है कि ट्रेंडिंग में आजकल क्या चल रहा है तो आई होप आपको ये लुक आजकल ये लुक काफ़ी अच्छा लग रहा होगा आप भी इस लुक को क्रिएट कर सकते हो और सिंपल आप किसी भी पार्टीज़ में स्पेशली नाइट पार्टीज में तो ये बहुत अच्छा लगता है आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगे तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी जो भी नई जो न्यू वीडियोस आए वो उन सभी की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचती रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को तो यहाँ पे सबसे पहले अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लें निव्या का मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी ड्राई है तो ये मॉइस्चराइज़र काफ़ी अच्छा रहता है ऑयली स्किन वाले अपने ऑयली स्किन के हिसाब से मॉइस्चराइज़र लगाएं लेकिन मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं इसके बाद ही आपका मेकअप भी अच्छे से टिका भी रहेगा और दूसरा फाउंडेशन भी बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है तो मॉइस्चराइजर बहुत ज़रूरी है इसके बाद आप कोई सा भी सीरम ले लें ये रोज़ हिप का सीरम ले रही हूँ क्योंकि ड्राई स्किन के हिसाब से ये बहुत अच्छा सीरम है अब यहाँ पे प्राइमर ले रही हूं स्वेस ब्यूटी का जो कि है नंबर जीरो वन नेचुरल टिंट बहुत अच्छा ग्लो आता है इस प्राइमर से अब लिपस्टिक लगाएंगे एज अ ब्लशर जो कि है मेबलिन की और इसका शेड है फूश फ्लश तो ये काफ़ी प्यारा पिंकिश ब्राइट पिंक कलर है तो पहले बेस पे हम इसको एज अ ब्लशर अप्लाई कर लेंगे आजकल ऐसे ही चल रहा है जैसे पहले बेस पे लगा लेते हैं तो काफ़ी अच्छा लुक आता है इससे अब यहाँ पे मैंने फेसेस कनाडा का ये फाउंडेशन लिया है नंबर ज़ीरो वन बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है लाइट वेट कवरेज है इसकी बहुत ज़्यादा हाई कवरेज नहीं है लेकिन जो इसकी फिनिशिंग होती है वो बहुत ही नेचुरल लुक आता है इसका तो मतलब अगर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे वाला आपका स्किन नहीं है तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा रहता है केके लुक बिल्कुल नहीं देता ये फ़ाउंडेशन बिल्कुल ऐसे मर्ज हो जाता है मतलब जैसे आपकी स्किन से ही बिल्कुल मैचिंग का होगा और एक अच्छा सा ग्लो आता है इस फाउंडेशन को लगा के तो ये फाउंडेशन भी मेरा काफ़ी फेवरेट है अब इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे कॉन्ट्रोल के लिए मेकअप रिवोल्यूशन का डार्क कंसीलर ले रही हूँ जो कि है नंबर सी तो ये बहुत ही पिगमेंटेड है बहुत हल्का लेता है मैंने बहुत हल्की क्वांटिटी ली है और आज मैं लिप्स के ऊपर भी इसको कॉन्ट्रोल कर रही हूँ ताकि मेरे लिप्स की शेप भी थोड़ी अच्छी लगे इसके बाद मेबलिन का ही मैंने ये रोल ऑन लिया है कंसीलर नंबर जीरो वन है या टेन है सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो इस तरीके से इसको अप्लाई कर लेंगे जो जो एरिया हमें हाईलाइट करना है उसको हाईलाइट किया है अब ब्लेंडर की मदद से सबसे पहले हम कंसीलर को ब्लेंड करेंगे जो लाइटर शेड है उसके बाद कॉन्टोर वाले को ब्लेंड करेंगे तो कॉन्टोरिंग थोड़ा डार्क होता है तो उसके बाद मैंने कॉन्टोरिंग को ब्लेंड की है डप डब करके इसको हल्का हल्का सा कॉन्टोर कर लेंगे और नोज़ की कॉन्टोरिंग कर लेंगे ब्लेंडर से ही कर रही हूँ आप चाहो तो फिंगर्स से भी यूज़ कर सकते हो फिंगर्स भी उससे भी कॉन्ट्रोलिंग हो जाती है अब लूज पाउडर ले रही हूँ जो कि है फिटमी का नंबर आई थिंक ज़ीरो टू है मुझे याद नहीं है आ, क्योंकि मैंने बजाय कॉम्पैक्ट पाउडर के मैंने लूज़ पाउडर ही रखा है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी वाला कवरेज नहीं चाहिए अब मैंने ये नाइका की पैलेट ली है पिंक शेड है इसमें सारे तो सबसे पहले लाइटर पिंक कलर ले रही हूँ ये जो पैलेट है नाइका की ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बहुत ही पिगमेंटेड है तो इस तरीके से क्रीज लाइन में ऊपर की तरफ इसको ब्लेंड करना है अब डार्क पिंक ले रही हूँ ठीक सेम वहीं पे इसको ब्लेंड करना है तो मैंने टेप लगा लिए साइड में और इसको इसी तरीके से ब्लेंड करना है नीचे की तरफ कर्व में नहीं करना है ब्लेंड ऊपर की तरफ करना है ताकि हमारी आई थोड़ी उठी हुई लगे अब ये मैं शिमर ले रही हूँ डार्क कलर का रस्टी ले रही हूँ अब इसको भी सेम वहीं पर मैं ब्लेंड कर रही हूँ जहाँ पर पहले यूज़ किया था और आप देख सकते हो मेरी जो क्रीस लाइन है वो ऊपर की तरफ उठी हुई है तो इसी तरीके से ताकि हमारी आइज उठी हुई लगे अब इस तरीके से उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे आपस में ताकि जो भी मैंने आई यूज़ किए हैं वो आपस में एकदम मर्ज हो जाए अब मैं हल्का सा कट क्रीज़ कर रही हूँ इस तरीके से कट क्रीज़ भी इसी के साथ साथ ले जाना है हमें हल्का हल्का इसके बाद ये पिंक जो डार्क पिंक कलर है उसको मैंने आईलेट पे अप्लाई करा है इससे पहले आप इस पर कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर लें इसको सेट कर ले अपने कंसीलर को अब ये लाइटर पिंक और डार्क पिंक इन दोनों को ही मिक्स करके मैंने आई शेडो अप्लाई किया है और ये पफ की मदद से ही अप्लाई कर रही हूँ इसमें जो पिगमेंटेशन है इस नाइका की आई शेडो पैलेट का वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई चंगी पार्टिकल्स नहीं लगते हैं दूसरा इसका जो शाइन है वो बहुत अच्छी है अब ये मैंने पैक का ब्रश लिया है स्मजिंग ब्रश तो जैसे हम आईलाइनर लगाते हैं विंग्ड आईलाइनर उसके साथ साथ हम इसको डार्क कलर का ब्राउन आई शेडो लेके इस तरीके से मर्ज करेंगे अब यहाँ पे नायका का मैंने आईलाइनर लिया है जेल आईलाइनर तो मैंने इसको पूरा विंग्ड नहीं अप्लाई करना है जो हमारे आईलेड एरिया है उस पर मैंने इसको यूज़ किया है और लास्ट में हम इसको स्मोकी लुक देंगे तो इस तरीके से और ये जो ब्रश यूज़ कर रही हूँ ये भी पैक का ही ब्रश है अब लास्ट में मैंने स्मजिंग ब्रश से हल्का हल्का ब्लैक आई शेडो लेके इसको इसी तरीके से इसी लाइन के साथ साथ स्मज करना है ताकि हमारी आईज अच्छे से उठी हुई लगे और लोअर लैस लाइन पर भी मैंने ब्लैक कलर का आई लिया है हल्का हल्का उसको स्मज किया है अब कॉन्टोर के लिए मैंने वेटर्न वाइल्ड की किट ली है तो कॉन्टोरिंग में ये जो पाउडर बेस्ड कॉन्टोर है उसको हम लास्ट में फिनिशिंग टच देने के लिए इसको यूज़ करेंगे ताकि पूरे फेस की कॉन्टोरिंग अच्छे से हो जाए अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्रश नोज़ के लिए ये पहले काफ़ी चलता था मेरे पास रखा हुआ है तो अब ये ब्लशर यूज़ करेंगे जो कि है मेकअप रिवोल्यूशन का कोरल ड्रीम है बहुत ही प्यारा ब्लशर है कोरल रस्टी सा कलर है तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इसके बाद मैं हाइलाइटर के लिए इसी किट से यूज़ किया है मैंने पिंक और पर्पल का मिक्सअप है ये हाइलाइटर की तरह यूज़ कर रही हूँ आप देख सकते हो उसका कलर पिंक और पर्पल और ऐसे मेकअप आपने एशियन वाले साइड भी देखे होंगे तो ये काफ़ी प्यारा लगता है ये ब्लशर बहुत अच्छा लगता है चीक्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा नोस और चिन पे और हाईलाइट कर लेंगे आईब्रोज बोन पर भी मैं सेम इसी को हाईलाइट कर रही हूँ इसी आई से तो इस तरीके से इसको हल्का हल्का हाईलाइट कर लेंगे और लोअर लैश लाइन पर जो डार्क कलर का पिंक शिमर है उसको मैं यूज़ कर रही हूँ इनर कॉर्नर्स पर खाली इनर कॉर्नर्स पर ही यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छी आइस लगेगी अब यहाँ पे लिप ग्लॉस यूज़ किया है जो कि है नाइका का नंबर ज़ीरो वन रूबी बो आई थिंक यही शेड है नंबर ज़ीरो वन है इस ग्लॉस का और ये बहुत ही प्यारा है तो सबसे पहले हल्का सा पिंक कलर की लिपस्टिक यूज़ की है जो कि है कोरल कलर वट एंड वाइल्ड की इसके बाद मैंने इसके ऊपर ब्लश ये लिप ग्लॉस को यूज़ किया है ताकि और अच्छे से कलर आ जाए और लिप्स बहुत अच्छे लगे तो आप देख सकते हो ये ग्लॉस भी मुझे काफ़ी पसंद आया तो ये है मेरा फाइनल लुक आप देख सकते हो कितना अच्छा लुक आया है और आई शेडो का भी बहुत अच्छा है आई इस टाइप का काफ़ी ट्रेंडिंग में है ये वाला आई तो ये इससे क्या होती है हमारी आइज काफ़ी शार्प लगती है तो आई होप आपको ये लुक काफ़ी अच्छा लगे आप ज़रूर इसको ट्राई करके देखें और नाइट पार्टीज में ये लुक बहुत अच्छे लगते हैं आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए आई होप आपको ये लुक काफ़ी अच्छा लगा होगा और ये वीडियो भी काफ़ी पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी और न्यू वीडियो के साथ बाय बाय एंड टेक केयर